दोस्तों आप देख सकते हो कि जोमेटो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उसका कैंडलस्टिक देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि इस कंपनी का प्राइस नीचे की ओर ही आ रहा है, ना कि ऊपर की ओर बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, और मेरे दोस्तों शेयर मार्केट हो या तो क्रिप्टो करेंसी हो या तो डिजिटल किसी भी चीज़ को खरीदना है और कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस करके, तो मेरे दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा एक निंजा टेक्निक कहने जा रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का प्राइस नीचे की ओर आ रहा है और कैंडलस्टिक पैटर्न में सिर्फ नीचे की ओर ही जाने का मूवमेंट शो कर रहा है, तो उस टाइम आपको खरीदना नहीं है, सेल भी नहीं करना है। सेल करना है, ठीक है, खरीदना नहीं है, सेल कर सकते हो। और जब किसी कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आकर थोड़ा ऊपर की ओर जाए, और इसका कुछ लेटेस्ट न्यूज़ भी है अवेलेबल, और इससे आपका अंदाज़ा लगा जा रहा है कि अभी के टाइम पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो उस टाइम आपको उसको ख़रीद लेना है। ठीक है, और अगर किसी कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे की ओर आ रहा है, ये कितना गिर सकता है आपको नहीं पता। तो मान लो आपका किसी कंपनी का प्राइस मान लो 10 रुपीस है, और इतना ज़्यादा गिर गया कि इसका प्राइस 5 रुपीस हो गया, और भी ज़्यादा गिर सकता है चांसेस है, और आपने क्या कर लिया, सेल कर दिया, तो आपके पास 5 रुपीस बचा हुआ है। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इसका प्राइस 1 रुपीस हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों उसके बाद दोबारा ये बाउंस बैक कर रहा है, मान लो 2 रुपीस हो गया। इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, इसका लेटेस्ट न्यूज़ भी आया है। तो मेरे दोस्तों उस टाइम क्या करना है, आपको बाय कर लेना है। तो उस टाइम क्या होगा, 2 रुपीस में आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपके पास बचा हुआ था कितना, 5 रुपीस, और 5 रुपीस में से आपने क्या कर लिया, 2 कॉइन खरीद लिया, यानी 2 शेयर खरीद लिया आपने। तो आपको आपके पास पहले पड़ा हुआ था क्या, 1, और उसके बाद आपने थोड़ा दिमाग लगाकर सेल कर दिया था, इसके वजह से आपको 2 कॉइन मिल गया, यानी 2 शेयर मिल गया। उसके बाद आपके पास 1 रुपीस बचा हुआ है। ठीक है, तो आप वो 1 रुपीस किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर या तो किसी दूसरे शेयर पर लगा सकते हो, और ये 2 कॉइन लगाकर 2 कॉइन शेयर खरीद लिया आपने। तो उसके बाद इसका प्राइस अगर ऊपर जाए, तो हो सकता है ऊपर जाने के बाद मेरे दोस्तों दोबारा ये कंपनी का प्राइस 10 रुपीस हो जाए। तो आपके पास 2 शेयर है, यानी आपके शेयर का प्राइस 20 रुपीस हो गया। ठीक है, और अगर आप सेल नहीं करते, सोचते कि ये होल्ड करके रख दूँ, तो मेरे दोस्तों आपका एक ही कॉइन रहता और एक ही शेयर रहता, और उसका प्राइस 10 रुपीस हो जाता, और आपके पास सिर्फ वेल्थ कितना रहता, 10 रुपीस। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, किसी कंपनी का प्राइस ज़्यादातर गिर जाए तो वो होल्ड करके नहीं रखते है, वो भी सेल कर देते हैं, और सेल करके बहुत ज़्यादा गिर जाने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करते हैं। आई होप मैंने समझा दिया आपको कि जो क्रिप्टो करेंसी हो या तो किसी बिटकॉइन हो या तो किसी शेयर मार्केट का कंपनी का शेयर खरीदना हो, तो ये सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, पर उसमें रिस्क भी है। अगर आपने सेल कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे उसका प्राइस 20 रुपीस हो गया, तो मेरे दोस्तों आपका नुकसान भी हो सकता है। पर मेरे दोस्तों रिस्क है तो इश्क है, ये भी तो कह सकते हो। तो मेरे बात सुनकर आपको ये टिप्स को फॉलो नहीं करना है, ये रिस्क खुद को लेना है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपको कहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस देख सकते हो कि गिर रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ठीक है, और कितना गिरेगा ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, पर मेरे दोस्तों ये जो कंपनी है ना, इसका प्राइस बाउंस बैक करने का चांसेस है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में लोग डिलीवरी का जो बिजनेस है उसका फ़ायदा उठाएंगे, और जिसके वजह से इस कंपनी का भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और कितना ज़्यादा हो सकता है ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा जा सकता। बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जा सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बता दिया कि जोमेटो कंपनी का शेयर का प्राइस का टारगेट कितना हो सकता है नेक्स्ट डे। अगर ज़्यादातर हिट करे मेरे दोस्तों, तो हो सकता है कि 120 रुपीस को ये हिट कर दे, इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता मंडे पर, यानी कल का जो टारगेट है ये मैंने कहा है। और अगर नीचे की ओर जाए, तो मेरे दोस्तों हो सकता है कि ये 100 रुपीस के पास चला जाए। तो आई होप मैंने आपको बता दिया कि इसका प्राइस कितना गिर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, ये सोचकर ही शेयर मार्केट पर आना कि मेरे दोस्तों जो होगा देखा जाएगा, पर मेरे दोस्तों सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें,
शेयर मार्केट से पैसा अपने आप नहीं आएगा।